हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई, आप देख रहे हैं हंसवानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन के नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, उसके साथ एक लास्ट में एक अच्छी सेटिंग्स बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स ये सेटिंग्स आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए फ्रेंड्स। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उसे भी दबाइए ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर आपको चले जाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग्स पर पहले क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो फ्रेंड्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बैटरी परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग्स मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसके बारे में भी मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स अलाउ नोटिफिकेशन बार इन लॉक स्क्रीन। अगर फ्रेंड्स आप इसको अलाउ कर देते हैं तो फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पे भी आप इसको नोटिफिकेशन बार को आप देख सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले देख सकते हो, देखिए आपको लॉक स्क्रीन में आप नोटिफिकेशन बार अभी आप नहीं देख सकते। इसको आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन बार। तो दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन बार, अगर आपको देखने को मिल रहा तो आप देख सकते हो। देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने स्क्रीन को लॉक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को मेरा लॉक स्क्रीन। तो फ्रेंड्स मैं लॉक स्क्रीन में ऊपर से नीचे एक और स्वैप करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बार। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं ऊपर से नीचे एक और स्वैप कर रहा था, यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन बार। तो फ्रेंड्स आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हो, इसको इनेबल करने के लिए फ्रेंड्स आपको सेटिंग्स पर आपको जाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं सेटिंग्स पर चले जाता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं सेटिंग्स पर आ गया हूँ। देखिए, सेटिंग्स पाने के बाद फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिला अलाउ नोटिफिकेशन बार इन लॉक स्क्रीन। तो फ्रेंड्स इसको आपको इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इनेबल कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए तो फ्रेंड्स मैं आपको लॉक स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेटिंग्स किया, सेटिंग्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं ऊपर से नीचे की ओर स्वैप करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ नीचे की ओर स्वैप करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा सेटिंग्स बता रहा हूँ नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ही। तो देखिए फ्रेंड्स उस पर मैं क्लिक कर दी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा सो डाटा यूजेज एट द बॉटम। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको इनेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आप अपने एंड्रॉइड फोन में जितने भी आप डाटा को यूज करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स नीचे में सिम डाटा यूजेज टूडे 28.0 MB आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स दिस मंथ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इतना GB यहाँ पर यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से इनेबल करके आप पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स कितना आप यूज करते हैं दिन में या मंथ में आप कितना यूज करते हैं वो पता लगा सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिला टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आप इसको इनेबल कर देते हैं। इसको इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स आपका एंड्रॉयड फोन में कॉल या मैसेज आएंगे तो फ्रेंड्स आपका एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन आपको ऑन देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स उसी समय। तो फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से इनेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको फ्रेंड्स आपको इसको बैक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट सेटिंग बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए आपको ऐप मैनेजमेंट पे आपको चले जाना है फ्रेंड्स। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऐप मैनेजमेंट पे चले जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट ऐप। तो फ्रेंड्स उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ऐप आपको देखने को मिल रहा है ब्राउजर। तो फ्रेंड्स उस पर आपको क्लिक कर देना है। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को मेरा डिफॉल्ट ऐप और यहाँ पे आपको देखने को मेरा कोरम और आप जो भी ब्राउजर को आप यूज करते हैं वो ब्राउजर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको इसको कोरम ब्राउजर में आपको टिक कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने एंड्रॉइड फोन से कोई भी आप लिंक को क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर में डायरेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, अपने एंड्रॉइड फोन के ब्राउजर को छोड़ करके क्रोम ब्राउजर में आपको डायरेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको इसमें आपको टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं पहले से टिक करके रख चुका हूँ, इसी को मैं पहले से यूज कर रहा हूँ इसी तरह से ही। तो फ्रेंड्स मैं भी बैक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उसे भी दबाइए ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।